अस्सलाम वालेकुम। अब जो है फाइनल टर्म में कोई भी जो है वो फेल नहीं होगा, क्योंकि नुमान मलिक आपको प्रोवाइड करने जा रहा है EDU 601 से रिलेटेड फाइनल टर्म की गाइडलाइन। और इसके अलावा नुमान मलिक आपको गाइड करेंगे फाइनल टर्म के बारे में, और इसके अलावा आपको प्रोवाइड करेंगे फाइनल टर्म के नोट्स। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम जो है आपको गाइड करने जा रहे हैं 601 के बारे में, जो कि एक और डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है B8 का। तो यहाँ पर हम मिड टर्म में, मैं आपको बताता हूँ कि मिड टर्म में जो मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड किए, तो इनमें बहुत सारे स्टूडेंट्स के बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स आए, और बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं उनके तकरीबन जो हैं वो 60+ मार्क्स आए। तो इसी तरह फाइनल टर्म के बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कहा था कि सर नोट्स बनाएं, तो मैंने फाइनल टर्म से रिलेटेड जो है वो नोट्स बना दिए। तो यहाँ पर मेनली गाइस 3 नोट्स हैं, जिसमें मैंने सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और जो है वो पास्ट पेपर को जो है ये शामिल किया है। तो यहाँ पर गाइस कंप्लीट गाइडलाइन जो है ये इन फाइल्स में आपको मिल जाएगी जब आप इसको ओपन करेंगे। इस फाइल्स में मैंने आपको बाकायदा तौर पर गाइड किया है कि इसको पास कैसे करना है। तो सिंपल यहाँ पर ये हैंडआउट ओपन है, तो हैंडआउट ओपन है फिलोसफी ऑफ एजुकेशन की। तो यहाँ पर गाइज मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे आपने 23 से लेके 45 लेक्चर करने हैं। इसके अलावा जो कुछ आपने मिड में कर लिया है या जितना सिलेबस मिड का बनता है वो आपने नहीं करना, क्योंकि मिड के सिलेबस में कोई 1-2 MCQs आएगा। सिलेबस तो इंक्लूड होगा, लेकिन यहाँ पर मेनली मैं बताता चलूँ कि आपने फोकस करना है अपने फाइनल टर्म के सिलेबस पर, ठीक है। तो 23 से लेकर 45 तक लेक्चर्स आपने कर लेने हैं। इसके अलावा मैं आपको दिखाता चलूँ कि यहाँ पर पास पेपर जो हैं वो मैंने ऐड किए हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो रिपीट होते चले आ रहे हैं। इस चीज़ का अंदाज़ा आपको इस चीज़ से होगा जब आप इस डॉक्यूमेंट फाइल को ओपन करेंगे। तो ये जो डॉक्यूमेंट फाइल है गाइज आपको डिस्क्रिप्शन में से मिल जाएगी, आपने इसको डिस्क्रिप्शन में से देख लेना है। तो गाइज ये हैं मेरे नोट्स, तो आपने इनको अच्छे से पढ़ना है। यहाँ पर मैंने गाइडलाइन जो है वो इसके बारे में कंप्लीट दी है। तो यहाँ पर फिलोसफी ऑफ एजुकेशन से रिलेटेड जो आज तक पेपर 2020 16, 17, 18 और 19 में आ चुके हैं, सभी को यहाँ पर डिस्कस किया गया है। इसके अलावा सब्जेक्टिव नोट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव नोट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गाइज अगर तो आपने पास होना है तो आपने इन नोट्स को जो है वो लाजमी डाउनलोड करना है। तो ये थी आज की EDU 601 की गाइडलाइन, और इंशाल्लाह जो है आप इसमें अच्छे मार्क्स जो हैं वो लेकर पास हो जाएंगे। तो गाइज अगर तो आपका कोई क्वेश्चन हो या अगर आप कुछ नया सीखना चाहते हो, कमेंट्स में लाजमी बता देना है, ठीक है। और इसके अलावा इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स जो हैं वो असाइनमेंट्स या क्विजेज या अनाउंसमेंट से रिलेटेड हों वो मिले सबसे पहले। और इस वीडियो को अपने स्टडी ग्रुप्स में शेयर लाजमी कर दीजिएगा, ताकि सभी को जो है इस सब्जेक्ट का पता लग सके और इस सब्जेक्ट से रिलेटेड वो डाउनलोड जो है कर सके नोट्स वगैरह को। तो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।